हे गाइज, वेलकम टू हिंदी मीट्रिक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि IRCTC का अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप भी अपना अकाउंट IRCTC में बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि IRCTC का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसीलिए देखते रहिए लास्ट तक, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना है, और आपने अभी तक हिंदी मीट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी ऐसी कोई टिक लगाऊँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ से आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, जैसे यहाँ से प्ले स्टोर पर आप ओपन कीजिएगा। तो यहाँ से आप टाइप कीजिए IRCTC, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई लोकल नहीं है, ये यानी कि ऑफिशियल ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ से दिख रहा है मेरे में ओपन आ रहा है, पहले से हम इसको डाउनलोड कर लिए हैं, यानी कि इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अगर आप नहीं किए तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम ओपन करते हैं इसको। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम अलाउ कर देते हैं, फिर से अलाउ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका टर्म कंडीशन पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो हम सब पढ़ के यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो। अगर नहीं बना है तो नया बनाने के लिए यहाँ से देख रहे हैं रजिस्टर्ड यूजर है, रेड कलर में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसको आपको पूरा फिल कर लेना है, यानी कि ये फॉर्म को आपको पूरा भर लेना है। तो फर्स्ट में यहाँ से मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यानी कि जो मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद है नीचे ईमेल आईडी, तो उसमें आपको ईमेल आईडी देना है। उसके बाद है यूजर नेम, तो इसमें आपको यूजर नेम देना है। जैसे यूजर नेम आप दे सकते हैं, जैसे जो आपका नाम हो गया तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद 1, 2, 3 में से अंक, उस यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको ऐसे देना है। उसके नीचे है पासवर्ड, तो पासवर्ड में आपको हर चीज़ मिक्स करके देना है, जैसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, और 1, 2, 3 में से नंबर आप दे दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके नीचे है कन्फर्म पासवर्ड, तो दोनों में आपको सेम पासवर्ड रखना है, यानी कि पासवर्ड और उसके नीचे कन्फर्म पासवर्ड, दोनों में आपको सेम पासवर्ड रखना है। उसके नीचे है नेम, तो फर्स्ट नेम हो गया ये, और ये हो गया मिडिल नेम, और ये हो गया लास्ट नेम। तो इसमें आपको अपना नाम देना है, जैसे इसमें जैसे आपका 3 लेटर का नाम आता है, यानी कि फर्स्ट में हो गया राहुल, और सेकंड में हो गया कुमार, और लास्ट में हो गया अगर कोई आप सिंह लगाते हैं, यादव लगाते हैं, झा लगाते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, या आपका अगर 2 नाम है जैसे राहुल कुमार, तो फर्स्ट में दीजिए राहुल और लास्ट में दीजिए कुमार। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया मेल फीमेल, आप जो कुछ भी है आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। उसके बाद उसके नीचे है नेशनलिटी, तो आप इस पर क्लिक करके आप जो भी है वो चूज कर लीजिए। तो यहाँ से हम इंडिया पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से है सिक्योरिटी, यहाँ से दिख रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप इस पर क्लिक करके कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। आप जो भी चूज कीजिएगा वो आप इसको स्क्रीन शॉट लेके या कहीं लिख लीजिए, अगर कभी आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं और पासवर्ड फॉरगेट कीजिएगा तो ये आपको काम आएगा। उसके नीचे इस साइड में देख रहे हैं, इसमें आप आंसर दे दीजिए और ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर कभी भी इसका पासवर्ड अगर भूल जाते हैं आप, फॉरगेट मारिएगा, तो ये आपको काम आ सकता है। उसके नीचे है ऑक्यूपेशन, तो ये ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो चाहे तो आप दे भी सकते हैं, क्या चीज़ करते हैं नहीं करते हैं, स्टूडेंट है या आपका गवर्नमेंट कोई नौकरी है, जॉब है यानी कि, तो वो आप अपने हिसाब से दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके नीचे है मैरिटल स्टेटस, यहाँ से देख रहे हैं तो आप अनमेरिड है या मैरिड है, यानी कि आपका शादी हो गया है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप ऊपर वाला पे टिक कीजिए, अगर हो गया है तो आप नीचे वाला पे टिक कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम पूरा अपना फिल कर लेते हैं। चीज़ फिल करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख रहे हैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसमें भी आपको सारा चीज़ फिल कर लेना है। तो इसमें फर्स्ट जो है रेसिडेंस एड्रेस, तो इसमें आपका एड्रेस डालना है, यानी कि आपका जहाँ भी घर है, आपका विलेज जहाँ भी है वहाँ का एड्रेस डालना है। उसके बाद है अगर आपका दोनों चीज़ सेम है, जैसे यहाँ पे दीजिएगा उसके बाद, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके नीचे है स्टेट ऑप्शनल, ये दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं,
फिर सेकंड वाला है एरिया, तो ये भी ऑप्शनल है। उसके नीचे है सेलेक्ट कंट्री, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कंट्री चूज कर लीजिए, आप इंडिया से कहाँ से हैं, तो हम चलिए इंडिया पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड दे देना है, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड है। उसके बाद सिटी यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा, या नहीं लेगा तो आप अपना सिटी टाइप कीजिए। उसके नीचे है स्टेट, तो आप जो भी स्टेट से हैं चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो चूज कर लीजिए। फिर से नीचे यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर दे दिए, तो चलिए यहाँ से हम पूरा फिल कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम अपना एड्रेस फिल कर लिया है। उसके बाद इस पर हम टिक कर देंगे, यहाँ से ये ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद इसमें हम यहाँ से देख रहे हैं आपको ये कप्चा फिल कर लेना है, तो जैसे यहाँ से देख रहा है ट्रैफिक लाइट, हमको ट्रैफिक लाइट जिस जिसमें है उस पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम ये दोनों छोड़ देते हैं। उसके बाद इंडिया चूज कर लिए, यहाँ से हम अपना पिन कोड दे देंगे जो भी पिन कोड है। उसके बाद यहाँ से हम अपना सिटी चूज कर लेंगे, तो मधुबनी आ गया मेरा सिटी। उसके बाद यहाँ से हम पोस्ट ऑफिस चूज कर लेंगे, तो यहाँ से हम अपना पोस्ट ऑफिस भी चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम फ़ोन नंबर पर क्लिक करके फ़ोन नंबर दे देंगे, तो चलिए यहाँ से अपना फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। इतना देने के बाद यहाँ से हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं रेड कलर में आ रहा है, यानी कि ये पूरा ओके नहीं है, इस पर कोई मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ से हम अपना ये कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ये ऐड आ गया, तो इसको हम कट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कंग्रेचुलेसन आ गया है, मेरा यूजर आईडी ये हो गया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ से देख रहे हैं पूरा मोबाइल नंबर और ईमेल है। तो इसके लिए हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो यूजर आईडी दिया है वो यहाँ पे टाइप करना होगा, और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको जो नंबर दिए हैं और ईमेल आईडी दिए हैं उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो वो आपको वेरीफाई कराना होगा। तो चलिए यहाँ से हम वेरीफाई करा लेते हैं वो सब। यहाँ से हम यूजर आईडी दे दिए, नीचे पासवर्ड भी दे दिए, और यहाँ से हम इंटर कप्चा में ये वाला कप्चा देंगे, यहाँ से जो देख रहे हैं तो ये हम कप्चा देंगे। अगर आपको ये कप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करके आप दूसरा कप्चा भी ले सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कप्चा रिफ्रेश हो रहा है, ये आपको दूसरा कप्चा भी दे देगा। अगर कोई कप्चा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप कप्चा चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम चेंज पर क्लिक कर दें, तो ये चेंज होकर आएगा, तो हम नया कप्चा इस पर डालते हैं। यहाँ से कप्चा दे दिए, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अगर आपको ये ऐड आता है, यहाँ से देख रहे हैं ऐड आ रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक कीजिए, अगर सेव नहीं रखना चाहते हैं तो नोट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ से हम नोट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो नंबर दिए हैं आप वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसके नीचे यहाँ से तो वो नंबर पे जो ओटीपी गया होगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर उसके नीचे है यहाँ से ईमेल आईडी जो आप दिए हैं, तो वो ईमेल आईडी आपको उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो वो ईमेल आईडी का ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो चलिए हम दोनों ओटीपी टाइप कर लेते हैं। अगर आप में ओटीपी नहीं गया है तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर आपके नंबर पे नहीं गया है तो यहाँ से आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप नंबर पे दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। या अगर आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं गया है तो उसके नीचे सेंड ओटीपी, तो आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप ईमेल पे भी दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपना ओटीपी आ गया मेरा, तो यहाँ से हम वेरीफाई करा लेते हैं। तो इसके लिए हम मैसेज ओपन करते हैं, सबसे पहले हम मैसेज का ओटीपी वेरीफाई करा लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरा ओटीपी ये हो गया 395615 395615, उसके नीचे है, तो ये ओटीपी मेरा ईमेल आईडी पे गया होगा। चलिए ईमेल आईडी पे भी हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ईमेल, कौन सा ओटीपी आया मेरा ईमेल पे। तो यहाँ से देख रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, तो इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं यूजर आईडी और आपका पासवर्ड भी सब यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ये ओटीपी आपका है, योर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन ओटीपी कोड इज, तो इतना 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 है, तो 966625 966625। मेरा दोनों ओटीपी यहाँ से वेरीफाई करा देते हैं हम। यहाँ से देख लिए, दे दिए। उसके बाद यहाँ से हम सबसे नीचे वेरीफाई यूजर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कंग्रेचुलेशन ओटीपी वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ से तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से हम अपना पासवर्ड देंगे, यूजर नेम तो आ ही गया, यहाँ से अपना पासवर्ड टाइप करके और यहाँ से फिर कप्चा टाइप करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। टाइप करके हम लॉगिन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा,
तो आपको यहाँ से एक एम पिन बना लेना है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का होता है या जैसे गूगल पे फोनपे का यू पी आई पिन होता है 4 डिजिट का 6 डिजिट का। तो ऐसे ही आपको कोई एक यू पी आई पिन की तरह एम पिन बना लेना है 4 डिजिट का। तो चलिए यहाँ से हम दोनों में सेम पिन देंगे, यानी कि जो पिन देंगे हमको दोनों में देना होगा। तो जब भी आप आईडी लॉगिन कीजिएगा तो ये आप पिन देकर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अपना पिन दे देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं प्लीज रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ पैलेस फॉर फ्यूचर यूज, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ा वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं आपका अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें चाहे तो आप टिकट काट सकते हैं या कोई भी ट्रेन का लाइव लोकेशन देख सकते हैं, कितने बजे ट्रेन है क्या है, हर चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस सब के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।